नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा। आप देख रहे हैं कुछ तो है। अबूझ, अनसुलझी और अनसुनी, इन शब्दों के मतलब क्या है? इन्हें क्यों कहा जाता है? इन शब्दों को हम कहां पर कहते हैं? क्या इस पर कभी आपने सोचा है? अगर नहीं तो इन शब्दों को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं हम, क्योंकि अबूझ, अनसुलझी और अनसुनी दास्तानों से रूबरू होंगे आप हमारे साथ सिर्फ कुछ तो है कि इस मिस्ट्री शो के जरिए। आइए देखते हैं क्या है आज के एपिसोड में खास। हम यहाँ तक आए हैं, बहुत रिस्की है, खतरनाक है। भगवान राम यहाँ से समुद्र की तरफ देखा करते थे। 8 टोटल आइलैंड्स हैं, लंका से लेकर हिंदुस्तान तक, जिसका जिक्र रामायण में, जिसे केवल अथाह समंदर के बीच वो राम सेतु कहां है? अगर है तो किस रूप में है? बहुत से सवाल थे, तो वो निशानियां भी मिलनी चाहिए जो रामायण में बताई गई। भारत और लंका के बीच वो 8 टापू जो राम सेतु का सबूत बनकर आज भी मौजूद है। समंदर तो आज भी राम कथाओं की गवाही देते हैं। हमें सब कुछ मिला, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मिला। इसी को आप राम सेतु मान लीजिए। अभी आप चल पा रहे हैं, यहाँ पर आप आसानी से दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राम सेतु की खोज का सबसे अद्भुत, सबसे रोमांचक और सबसे बड़ा सफर। श्री राम का सेतु धाम यानी एक ऐसी कहानी जिसे लोग विज्ञान का हवाला देकर फसाना मानते रहे, लेकिन कुछ समय पहले ही अमेरिकी साइंस चैनल ने दावा किया कि राम सेतु वाकई मौजूद था। उनका कहना है कि रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच बहुत से ऐसे पत्थर मिलते हैं जो करीब 7,000 साल पुराने हैं। यहाँ तक कि विज्ञान के तमाम जानकार भी राम सेतु के अस्तित्व को मान रहे हैं। आइए पता करते हैं इस राम सेतु से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें जिन्हें देखने के बाद ये कहना गलत ना होगा कि आखिर कुछ तो है। रामायण के मुताबिक रामेश्वरम के समुद्र में ही राम सेतु का निर्माण किया गया था। वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदया। और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें दिल्ली से 2,800 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी थी। राम सेतु की खोज में हमारी टीम रामेश्वरम के लिए रवाना हो गई। रामेश्वरम धाम अब ज्यादा दूर नहीं था। और जल्द ही हम रामेश्वरम में उस जगह पर पहुंच गए जिसका सीधा जुड़ाव श्री रामचंद्र से है। कहते हैं इस जगह का रामायण से गहरा ताल्लुक है। दावे के मुताबिक रामेश्वरम में इसी जगह पर राम बैठते थे और सेतु निर्माण के काम पर निगाह रखते थे, बैठकें होती थी और श्री राम लंका पर हमले को लेकर फैसले लेते थे। इस जगह को आज दीवारों और खिड़कियों से घेर दिया गया है और लोगों में भी इस जगह को लेकर गहरी आस्था है। वाकई ये मंदिर बेहद ऊंचाई पर है, जहां से चारों तरफ निगाह रखी जा सकती है। रामेश्वरम आने वाले हर शख्स की जबान पर केवल राम सेतु का ही नाम रहता है, जिसकी तलाश में हम भी आगे बढ़े और थोड़ी ही देर में हमारे सामने रामेश्वरम धाम था। श्री रामचंद्र, रामेश्वरम धाम यानी वो जगह जहां श्री राम की वानर सेना ने लंका पर हमले से पहले अपना पड़ाव डाला था। रामेश्वरम धाम में श्री राम यात्रा से जुड़ी सबसे अहम निशानी रामनाथ स्वामी मंदिर में है, जिसकी तलाश में हम भी मंदिर में पहुंचे। जहां राम और ईश्वर का मिलन होता है वही जगह रामेश्वर है। और इस कॉरिडोर की भव्यता और यहां की कलाकृति देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम मौजूद हैं रामेश्वर धाम में। रामेश्वर यानी वो जगह जहां पर भगवान राम बहुत लंबे समय तक रुके थे। रामेश्वर यानी वो जगह जहां रावण के वध के बाद वो लौटे थे और शिव की पूजा की।
राम सेतु की तलाश में हम रामेश्वरम से 18 किलोमीटर दूर धनुषकोडी की तरफ रवाना हुए। रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में हमें वो जगह मिली जहां राम सेतु से जुड़ी पहली निशानी दिखी। जिस भी मछुआरे को वो फ्लोटिंग स्टोन मिलता है राम सेतु वाला, यानी वो पत्थर जो पानी में तैरता हुआ नजर आता है, उसको लाके यहाँ पे रख दिया जाता है और यहाँ बहुत सारे छोटे बड़े हर तरह के पत्थर जमा है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से फ्लोट करते हैं, ये किस तरह से बहते हैं। ये पत्थर अब करीबन कुछ नहीं तो ये 1.5 से 2 किलो के वजन का है, अच्छा वजन है। और ये देखिए, ये मैं इसको डाल रहा हूँ पानी में, गया और बिल्कुल एक बलून की तरह तैरता हुआ वापस आ गया। ये 1-2 के साथ नहीं, सारे पत्थर इसी तरह के हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये गया और ये वापस आ गया। राम सेतु के पत्थर हैं यहाँ पर, और इससे बहुत बड़े बड़े पत्थर अभी हम आपको दिखाएंगे जब हम धनुषकोडी जाएंगे, वो जगह जहाँ से राम सेतु को बनाना शुरू किया गया था। ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। आइए। डूबते सूरज ने हमें रुकने का इशारा किया और अगले दिन हमारी मंजिल थी धनुषकोडी। अब हम उस सफर के लिए रवाना होने वाले थे जिसका एक ही लक्ष्य था, समुद्र की अनंत गहराइयों में श्री राम यात्रा की सबसे बड़ी निशानी राम सेतु की खोज। थोड़ी देर बाद हमने भारतीय सरजमी का अंतिम छोर भी पार कर दिया। राम सेतु के बारे में हमने सुना था कि रावण से युद्ध के वक्त श्री राम के लिए वानर सेना ने पत्थर का सेतु बनाया था और ये सेतु पानी पर तैरने वाले पत्थरों से बना था। और रामेश्वरम के पास धनुषकोडी ही ऐसी जगह है जहां आज भी राम सेतु के होने का दावा किया जाता है। दूरी तो महज 18 किलोमीटर ही है, लेकिन राम सेतु को देखने की उत्सुकता हर मिनट भारी पड़ रही थी। सैटेलाइट से मिली इस तस्वीर को हम अक्सर देखते हैं जिसमें तमिलनाडु के धनुषकोडी और श्रीलंका के मन्नार के बीच ये पतली सी रेखा दिखती है। कहते हैं ये पतली रेखा राम सेतु ही है, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। गूगल मैप में भी धनुषकोडी और मन्नार के बीच कई छोटे छोटे टापू दिखते हैं। श्रीलंका के मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी के बीच 8 छोटे बड़े टापू हैं, जिन्हें राम सेतु के अवशेष का नाम दिया जाता है। नक्शे में धनुषकोडी कुछ ऐसा दिखता है, इसका एक हिस्सा समुद्र के काफी अंदर तक है। ये धनुषकोडी का अंतिम छोर है जिसे राम सेतु पॉइंट कहते हैं। और दावे के मुताबिक जब राम सीता के साथ लंका से लौटे तो इसी जगह पर धनुष मार कर पुल तोड़ दिया था। अब राम सेतु को अगर तोड़ा गया तो जाहिर है उसके अवशेष बाकी हैं, और जिस तरह से हमें सैटेलाइट से इमेजेस मिली है उससे भी ये लगता है कि राम सेतु एग्जिस्ट करता है, मतलब भारत से लेकर श्रीलंका तक वो पुल आज भी मौजूद है। और उसी पुल की तलाश में हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। जाना समुद्र के रास्ते होगा, जमीन का रास्ता नहीं है, और समुद्र में जाहिर हम पैदल नहीं जा सकते, तो हम बोट का इंतजार करेंगे। कोस्ट गार्ड से हम लोग बात कर रहे हैं और भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम आगे जा सकते हैं और आपको वो राम सेतु दिखा सकते हैं जो आज तक आपने टेलीविजन पर नहीं देखा होगा। फिर मछुआरों का एक दल हमारे साथ समुद्र के उस हिस्से में जाने के लिए तैयार हो गया जहां राम सेतु के होने का दावा किया जाता है। मछुआरों को रिक्वेस्ट करके ये बोट हमने हायर की है। बहुत रिस्की है, खतरनाक है, लेकिन ये कोशिश सिर्फ इसलिए हो रही है कि आपको टेलीविजन स्क्रीन पर वो हकीकत दिखा सकें जिसके बारे में आप सुनते बहुत हैं लेकिन वो आंखों से आप नहीं देख पाएंगे कभी भी। आइए, हम वो कोशिश कर रहे हैं और आपको उस जगह तक ले जा रहे हैं जहां पर पानी वाकई इतना कम है इस समुद्र में कि पूरा रास्ता लंका और भारत एक से जुड़े हुए हैं। वो राम सेतु कहां है, आइए। पानी में चलना बहुत मुश्किल काम होता, आप देखिए क्या कोशिश की जा रही है। लो भाई, माइक पकड़ा। अब हम उस सफर के लिए रवाना होने वाले थे जिसका एक ही लक्ष्य था, समुद्र की अनंत गहराइयों में श्री राम यात्रा की सबसे बड़ी निशानी
राम सेतु की खोज। हमारे चारों तरफ गहरा नीला समुद्र था और हम उस तरफ बढ़ते जा रहे थे जहां राम सेतु के कुछ हिस्सों के देखे जाने का दावा किया जाता है। यहां से आगे हम समुद्र के उस हिस्से में पहुंच गए जहां दो सागरों का पानी मिलता है। आपने सुना होगा समुद्र को मिलते हुए, और अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर दो समुद्र आपस में मिल रहे हैं। एक तरफ से हिंद महासागर और दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी का पानी यहां पर मिल रहा है, और आप दो अलग कलर आपको दिखाई देंगे पानी के। एक तरफ कलर दूसरा है पानी का, और दूसरी तरफ कलर पानी का दूसरा है। तो बिल्कुल उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर ये दोनों महासागर आपस में मिलते हैं। थोड़ी देर बाद हमने भारतीय सरजमी का अंतिम छोर भी पार कर दिया जिसके आगे जमीन खत्म हो जाती है और समुद्री सीमा शुरू होती है। अब बहुत संभल कर आगे बढ़ना था क्योंकि यहां से उन टापुओं का सिलसिला शुरू हो जाता है जिन्हें राम सेतु का हिस्सा या अवशेष बताया जाता है, जिस जगह को हमने अभी तक केवल सैटेलाइट इमेज में देखा था। रामेश्वरम में ही समुद्र के बीच एक ऐसी जगह है जहां पानी ना के बराबर है, और यहां आपको दिखेंगे ढेर सारे आइलैंड्स यानी टापू, और यहां से श्रीलंका है महज 7 किलोमीटर दूर, और इसी को कहते हैं राम सेतु। कुछ घंटे की यात्रा के बाद हम समुद्र के उस हिस्से में पहुंच गए जो है तो समुद्र के बीचों बीच लेकिन गहरा बिल्कुल नहीं। कहते हैं यहीं से राम सेतु का इलाका शुरू हो जाता है। तो राम सेतु के इस पूरे इलाके में समुद्र आपको दिखाई दे रहा है दूर से दूर तक, लेकिन असल में इस समुद्र की हकीकत क्या है वो आप खुद देखिए। ये समुद्र सिर्फ इतना गहरा है कि इंसान के घुटनों तक पानी यहाँ पर आ है। अब बहुत संभल कर आगे बढ़ना था क्योंकि यहाँ से उन टापुओं का सिलसिला शुरू हो जाता है जिन्हें राम सेतु का हिस्सा या अवशेष बताया जाता है। तो तीन आइलैंड्स का चक्कर काटने के बाद आखिरकार चौथे आइलैंड पर हम पहुंचे हैं जहां पर हम उतर पा रहे हैं। यहां पानी इतना कम है मैं आपको बताऊं कि बोट भी आगे तक नहीं जा पा रही है। फाइनली एक आइलैंड के करीब हमने रोका है। चौथे नंबर का आइलैंड है इंडिया से लेकर श्रीलंका तक 8 आइलैंड्स हैं, इसी तरह के 8 टापू हैं, और अब मैं नीचे उतर के उस आइलैंड तक जाके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ समुद्र कितना कम गहरा है। अब हमारे कदम उस जगह पर पड़ने वाले थे जिसे राम सेतु कहा जाता है। राम सेतु तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, और इम्पॉसिबल के बराबर काम है ये। हमारे बोटमैन ने कहा कि अब आगे हम किसी कीमत पे नहीं जाएंगे क्योंकि आप देखिए मिट्टी में बोट फंसने का पूरा खतरा रहता है। ऐसे हालात में बेहद मुश्किल होता है बोट को कंट्रोल कर पाना, और अगर बोट फंस जाए तो आप उससे निकल नहीं सकते। लेकिन यहाँ से लेकर श्रीलंका तक करीबन पानी इतना ही कम गहरा है जिसमें आप आसानी से चल सकते हैं जैसे मैं चल पा रहा हूँ, और शायद इसी को हम राम सेतु के नाम से जानते हैं क्योंकि जमीन पर आपके पांव टिके लेकिन आप समुद्र में खड़े हैं और आप आसानी से समुद्र में चल पा रहे हैं, और इससे बड़ा क्या सबूत होगा राम सेतु का। विश्वास नहीं हो रहा था, क्या ये वही स्थान है जहाँ कभी श्री राम खड़े थे? समुद्र का हिस्सा है बेसिकली, छोटा सा टापू है, अब इसी को आप राम सेतु मान लीजिए। यहाँ पर आप चल सकते हैं, और जब हाई टाइड आएगा तो पानी इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप नहीं चल पाएंगे, लेकिन अभी आप चल पा रहे हैं। यहाँ पर आप आसानी से दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं, और शायद इसी को राम सेतु कहते हैं। जिस जगह को हमने अभी तक केवल सैटेलाइट इमेज में देखा था, उस जगह पर, उस जमीन पर आज हम खड़े थे। ये एक अद्भुत एहसास था। ये समुद्र के बिल्कुल बीच में, फिर भी यहाँ सतह इतनी ऊपर है कि आराम से पैदल चला जा सकता है। आखिर ये कैसा अजूबा है? क्या इसी को राम सेतु कहा जाता है? समुद्र में जिस जगह पर हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ से श्रीलंका महज 7 किलोमीटर दूर है। इस जगह पर टीवी कैमरा पहुंचना तो दूर की बात है, मछुआरे भी कभी नहीं जाते। ये बताइए राम सेतु
ये श्रीलंका है 7 किलोमीटर इधर। श्रीलंका सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है, मतलब आप इधर से आगे जाते रहिए और आप श्रीलंका पहुंच जाएंगे। हाँ या ये इधर है, सीधा जावे ना श्रीलंका ना, 7 किलोमीटर ओनली। कोई आदमी नहीं, कोई आदमी नहीं है यहाँ पर, कोई आदमी कभी नहीं आया। आप भी पहली बार आए, आप आते हैं? फर्स्ट टाइम ये भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए, इससे पहले कोई आदमी यहाँ तक नहीं पहुँचा था। जिसके बारे में केवल सुना गया था, जिसे देखना नामुमकिन की हद तक मुश्किल था, वो जमीन, वो जगह, वो माहौल पहली बार किसी टीवी कैमरे में कैद हो रहा था। और ये छोटा सा टापू है, ये देखिए आप इसका पूरा सर्कमफ्रेंस देखिए, तो ये 1 मीटर या 2 मीटर के रेडियस में पूरा टापू है, जमीन है, समुद्र के बीचों बीच मैं जमीन पे खड़ा हूँ जो इतनी छोटी सी है। और यही शायद वो हिस्से हैं जिन्हें हम राम सेतु के रूप में जानते हैं। ये तैरता हुआ पत्थर मुझे यहाँ पे अभी तक नहीं दिखाई दिया है कोई भी, लेकिन आप ये देखिए ये जमीन खुद अपने आप ऊपर आ जाती है और जब हाई टाइड आता है तो ये जमीन डूब जाती है। इस तरह के कई सारे छोटे छोटे टापू हैं जो मैप पर नहीं दिखते हैं, लेकिन जब आप असल में आते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ बोट रोक के मैंने देखा है, तो ये छोटा सा टापू है, बिल्कुल छोटा सा टापू है। और 2 कदम मैं चलूंगा तो मैं वापस समुद्र में चला जाऊंगा, ये मैं समुद्र में आ गया, मतलब मैं जमीन में 2 कदम चलूंगा तो मैं जमीन पर पहुंच जाऊंगा, ये मैं जमीन पर आ गया। और वापस अगर मैं जाऊंगा पानी के अंदर तो मैं वापस समुद्र में चला जाऊंगा। तो इसी तरह के छोटे छोटे कई सारे टापू हैं जिनकी शायद गिनती भी नहीं है और जो शायद अपने आप में राम सेतु का ही हिस्सा है। रामायण में लिखा है कि सेतु बनाने के लिए समुद्र देवता ने इस इलाके में अपनी लहरों को कम कर दिया था ताकि पत्थर एक जगह पर टिक सके। यहाँ आज भी लहरों की रफ्तार बाकी समुद्र के मुकाबले बेहद कम रहती है। राम सेतु के आसपास जो समुद्र है उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक तो गहराई बहुत कम है और दूसरा इसी वजह से शायद लहरें, देखिए आप बहुत छोटी छोटी लहरें होती हैं, आपने अगर समुद्र की लहरें देखी होंगी तो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, बहुत तेज बहाव होता है, लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल बीच रास्ते में है, मतलब यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका है। अगर हम अपनी बोट को लेके जाए आगे, जाहिर है हमारे पास कोई वीजा नहीं है इसलिए हम ऐसा करेंगे नहीं, वरना 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त श्रीलंका है। और आप लहरें देखिए, इन लहरों में कोई उफान नहीं है। और ये मान्यता यही है कि क्योंकि श्री राम ने समुद्र देवता को आदेश दिया था कि आप यहाँ पर शांत स्वभाव में रहेंगे, और वो समुद्र आज भी शांत स्वभाव में, इन लहरों को आप लहरें भी क्या कहेंगे। देखिए समुद्र का ये हिस्सा राम सेतु का अवशेष है या नहीं, इसको लेकर 2 मत है। पहला मत आस्था से जुड़ा है जो इसे राम सेतु मानता है, और दूसरा मत विज्ञान के तर्क से जुड़ा है जो इसे प्रकृति की बनावट का नायाब नमूना मानता है। राम सेतु के वजूद से जुड़े इन दोनों पक्षों में बहस आज भी जारी है, लेकिन धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच समुद्र के जिस हिस्से में हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी मिलती है, जो जगह समुद्र के एकदम बीच में स्थित है, वहां सतह इतनी ऊपर कैसे है, इसी सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है। लेकिन आस्था से जुड़े लोग इसे श्रीराम यात्रा की निशानी ही मानते हैं। ऐसी कहानियों को देखने के बाद सच के लाख तर्क हूँ, लेकिन जहाँ बात हो लाखों लोगों की आस्था की तो सारे तर्क बेमानी से लगते हैं, और शायद इसी को कहते हैं कुछ तो है। तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आपसे ऐसे ही कहानी के साथ, जिससे हकीकत और फसाने के बीच मौजूद होगी एक बारीक सी धुंधली लकीर। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।